लेना। आई एम सॉरी नैना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया था। मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो। तुमने हजार बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं ही तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। आई लव यू नैना। बट आई एम सॉरी विकी, जब मैं अपने जिंदा डैड को हमेशा के लिए भुला सकती हूँ, तो तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ या मुझे गले लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से भुला चुकी हूँ। तुम मजाक कर रही हो क्या? या फिर मैंने तुम्हें सताया इसलिए तुम मुझे सताना चाहती हो? तुम हो कौन और मैं तुम्हें क्यों सताऊंगी? तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो क्या? लवर, एक्स लवर, कुछ भी नहीं हो। तुम सही थे विकी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर जेब में पैसे हों तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये प्यार व्यार ये सब तो एकदम फालतू की बातें होती हैं, इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा मत कहो नैना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नैना मुझसे दूर मत जाओ, मेरे प्यार को समझो नैना। पागल मत बनो विकी, प्यार व्यार मैं नहीं जी सकता, ये सब दिमागी बीमारियां हैं और कुछ नहीं। मुझे ये सब समझ में आ चुका है अब। और तुम कैसे भूल गए? याद है तुमने क्या कहा था? लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, ना कि लाइफ हमें कंट्रोल करे। पता है, तुम्हारी बात मान के ही मैंने एक अमीर लड़का ढूंढ लिया है। भले ही वो मुझसे 15 साल बड़ा है, तो क्या हुआ, लाइफ में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं लाइफ को अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। तुम मुझे प्यार का वास्ता देके परेशान मत करो प्लीज। नैना एक मिनट, नैना नैना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कल तक मैं भी पैसे को ही भगवान मानता था, इसी वजह से मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। लेकिन अब तुम भी वही कर रही हो, इसलिए तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा। नैना दुनिया में हर चीज के बगैर जिया जा सकता है, लेकिन प्यार के बगैर नहीं। नैना मैं समझ गया हूँ। अभी अभी प्यार हुआ है ना, इसलिए ये सब कह रहे हो। थोड़े दिन बाद तुम भी समझ जाओगे कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। जल्दी समझ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता विकी। तुम पर ये सब बिल्कुल सूट नहीं करता। जाओ उस लड़की से माफी मांगो और उसे शादी करके सेटल हो जाओ, ठीक है? प्लीज नैना, मेरी बात। गुड बाय।
ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? जब हम ना कहते तो पीछे पीछे आती हैं, और जब हम नजदीक जाते हैं तो नखरे दिखा के दूर भाग जाती हैं। अच्छा, मेरी क्या गलती थी कोई बताएगा? एक बात याद रखना, किसी से इतना प्यार मत करना जितना मैंने किया, समझ रहे हो ना? वरना बर्बाद हो जाओगे रास्कल। अच्छा, मेरा तो दिल टूटा है इसलिए शराब पी रहा हूँ और बारिश में भीग रहा हूँ, मेरा तो बनता है, लेकिन तेरे को भीगने की क्या जरूरत है? एक्सप्लेन कर अभी, एक्सप्लेन कर। अबे तुझे सर्दी लग जाएगी। इधर आ, अपन दोनों मिलके सेल्फी लेते हैं, आजा। अरे इसकी बैटरी भी डाउन हो रही है, आजा। अरे जल्दी आना यार। भाई, मेरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? अरे दोस्त तुम, अरे उठो उठो वहां से, चलो। भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रदर, एक बात बताऊं क्या? तुम्हारा प्यार तो सक्सेसफुल, मेरा फेल हो गया है यार। फेलियर लव स्टोरी बन गई। तो भाई क्या? अरे क्या, जिनका प्यार सच्चा होता है वो ऐसे खुद को बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं। चलो गाड़ी में बैठते हैं, बारिश तेज है, चलो। छोड़ो यार, बारिश चाहे कितनी भी तेजी क्यों ना हो, पर जिस दिल में प्यार की आग लगी हो उस दिल की आग को वो नहीं बुझा सकती। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बुझा सकती, नहीं बुझा सकती। जब मुझे प्यार और पैसा दोनों में से एक को चुनना था तो मैंने पैसे को चुना, लेकिन आज मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, लेकिन वही प्यार मुझसे दूर दूर भाग रहा है। मेरा प्यार मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नैना चाहिए दोस्त, अगर नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे बस वही चाहिए। इतना दुखी मत हो, इतना दुखी होने का कोई फायदा नहीं, वरना उसके प्यार में पागल हो जाओगे और इसकी तरह रास्तों पर भटकोगे। हम लड़के ना, हम लड़के तो बस सिनेमा हॉल के जैसे होते हैं भाई, बिल्कुल सिनेमा हॉल के जैसे। और ये लड़कियां ना, ये होती हैं फिल्मों की तरह भाई, हर हफ्ते आती हैं और चली जाती हैं। अरे मेरी लाइफ तो एक तमाशा बन गई है, काय का सिनेमा हॉल और काय की फिल्म। छोड़ो यार, मैं दिमाग की हमेशा सुनता रहा लेकिन कभी दिल की नहीं सुनी मैंने यार। लेकिन नैना ने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, मेरी आंखें खोल दी उसने। ऐसी लड़की जिंदगी से चली जाती है तो बर्दाश्त नहीं होता। ब्रदर, प्यार खुद चलकर मेरे पास आया और मैंने खुद अपने हाथों से उसे गवा दिया। कितना बदकिस्मत हूँ मैं। तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारा प्यार कहीं नहीं गया भाई, यही है वो। नैना,